यूपी में इंडिया गठबंधन के दो अहम घटक सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर सियासी दावपेच तेज हो गए हैं। दबावी राजनीति के तहत फिलहाल जहां सपा 2022 के विधानसभा चुनावों का हवाला देकर कांग्रेस को चित्त करने की मंशा से मैदान में उतरी है, तो वहीं कांग्रेस 21वीं सदी में अपने सबसे बेहतर प्रदर्शन यानी कि साल 2009 के चुनावों को सामने रखकर ताल ठोक रही है। इससे गठबंधन के बीच दिलचस्प सियासी कुश्ती का नजारा सामने आया है। सपा के जन्मदाता नेताजी मुलायम सिंह यादव कुश्ती के मंझे हुए खिलाड़ी थे, साथ ही वो सियासत में भी इन मौके पर अपने अचूक और सफल सियासी दाव के लिए मशहूर थे। अब सपा की कमान उनके बेटे यानी अखिलेश यादव के हवाले है। साल 2017 में कांग्रेस, 2019 में बसपा और 2022 में छोटे दलों के साथ गठजोड़ का असफल सियासी दाव आजमा चुके हैं, फिर भी यूपी में गठबंधन में सपा ही मुखिया है, ये बात कांग्रेस भी मानती है। ऐसे में सपा यूपी में कांग्रेस को कम से कम हिस्सा देने के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए वो 2022 के विधानसभा चुनावों का आंकड़ा पेश कर रही है। ये आंकड़ा कांग्रेस की खुशफहमी दूर करने के लिए काफी है। इस आंकड़े के मुताबिक 80 लोकसभा सीटों में सपा कांग्रेस से हर सीट पर आगे रही है। रायबरेली, अमेठी जैसी सीटों पर भी सपा का आंकड़ा कांग्रेस पर काफी भारी पड़ा था। गाजीपुर, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और कन्नौज जैसी करीब 20 सीटें ऐसी हैं जहां सपा को लाखों में वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस महज 10,000 से भी कम वोट पाकर सिमट गई थी। वहीं बनारस सीट की अगर बात करें तो सपा को यहां 4,00,000 के करीब वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को यहां महज 50,000 के करीब वोट मिले। साल 2022 के आंकड़े सपा को कांग्रेस से मीलों आगे दिखाते हैं, जो सपा को फिलहाल आश्वस्त करते हैं। ऐसे में भले ही कांग्रेस ने यूपी में सपा को गठबंधन में अपना बड़ा भाई मान लिया हो, लेकिन अपने सियासी हिस्से बढ़ाने के लिए वो अलग तर्कों के साथ बातचीत की मेज पर उतरी है। कांग्रेस के मुताबिक साल 2022 का चुनाव विधानसभा चुनाव था, तब ओपी राजभर भी पूर्व में सपा के साथ थे जहाँ सपा को सीटें मिली थी। 2022 में राज्य के चुनाव के लिहाज से सीधी लड़ाई सपा गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच हो गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे साल 2009 में कांग्रेस ने 21 तो सपा ने 22 सीटें जीती थी, फिर हुए उपचुनाव में फिरोजाबाद में राज बब्बर ने डिंपल यादव को हराकर आंकड़ा 22 पर ला दिया था। तब करीब दर्जन भर सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, इसलिए सियासी आंकड़ों की सबसे पुरानी पार्टी 2022 वर्सेस 2009 का पासा फेंक रही है। कांग्रेस के साथ आने पर एक मजबूत गठजोड़ बनेगा जो मुस्लिम वोट भी एकजुट नहीं करेगा, बल्कि भाजपा विरोधी वोटों को भी एक पाले में लाने में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही कांग्रेस के साथ आने पर गठबंधन दलित वोटों में सेंधमारी कर सकता है, नहीं तो वो बसपा और बीजेपी के बीच बटकर रह जाएंगे, ऐसा कांग्रेस का मानना है। यानी कि देश की राजनीति में कभी सबसे ताकतवर पार्टी रही कांग्रेस भी बंटवारे में आसानी से हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। यूपी में फिलहाल गठबंधन का नेतृत्व कर रही सपा और देश के साथ यूपी की सियासत में अरसे तक काबिज रहने वाली कांग्रेस के बीच हिस्सेदारी की दिलचस्प जंग फिलहाल जारी है, जिसका अगला पड़ाव 12 जनवरी को सामने आएगा, जब दोनों ही पार्टी के सिपहसालार बातचीत की मेज पर अपने अपने नए और पुराने आंकड़ों के शस्त्रों से मुकाबला करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।